नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कुलभूषण जाधव को लेकर भारत ने दी पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। नवाज शरीफ की परोक्ष धमकी, पाक सेना किसी भी हमले से निपटने को तैयार। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा, धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाएं न्याय संगत नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, कुलभूषण को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, जाधव पूरे देश का बेटा है। राजग की बैठक में अहम फैसला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे 2019 के लोकसभा चुनाव। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर राज्यसभा ने किया बापू को याद। बरेली के आंवला अलीगंज मार्ग पर वाहन की चपेट में आकर एक परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु, महिला घायल। राष्ट्र ने नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को शांति दूत बनाया। मिस्र के दक्षिणी शहर असियूत में सेना की कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट के साथ संदिग्ध आतंकवादी मारे गए। अजलान शाह कप में आरसीजेएस को भारतीय टीम की कमान। ये थी आज की प्रमुख खबरें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsdunia.com। नमस्कार।